हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम नया वीडियो ले आए हैं माइनक्राफ्ट में, जहाँ पर हमारे पास है गोकुलधाम सोसाइटी। इसे बनाने में मुझे 2 हफ्ते लग गए। बहुत मेहनत से बनाया। बीच में बहुत टाइम वीडियोस नहीं आई थी, तो मैंने ऐसे ही बहुत से मैप्स बनाए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं गोकुलधाम सोसाइटी। वैसे मैंने इसको आधा बार डाउनलोड किया था, बाकी मैंने इसको खुद बनाया। ये गड़ा अबे इलेक्ट्रॉनिक्स साले, मैंने और भी सोडी गेरा तूफान एक्सप्रेस वो सब बनाया। गोकुलधाम सोसाइटी मैंने डाउनलोड की थी, पर अंदर का फर्नीचर मैंने खुद बनाया। बाकी इतना मैं भी मेहनत नहीं कर सकता, इसलिए मैंने थोड़ा हेल्प लिया। पर ये जितने भी फर्नीचर है ये सब मैंने बनाया। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब पूरा मैंने बनाया है। तो ये रहा अपना तूफान एक्सप्रेस, जहाँ पर पोपटलाल काम करता है। ये मेहता साहब का वो, जहाँ मेहता साहब आर्टिकल्स लिखते हैं। ये गुई क्या बोलते हैं, जेठालाल का जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का उसका ये वो गोडाउन है। इस गोडाउन में वो बैठता है, यहाँ पर सीट लगी हुई है जेठालाल की। बाकी ये रहा सोड़ी गैरेज, सोड़ी गैरेज पे कार्स आई हुई है। बाकी अब हम आपको गोकुलधाम सोसाइटी अंदर से दिखा देते हैं। तो ये थी गोकुलधाम सोसाइटी। ये वाला आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये वाला सीन कभी दिखाते नहीं है। ये एक्टर्स की प्लेस चेंजिंग वाली जगह है। प्लेस नहीं, एक्टर की वो जगह जहाँ पर वो ड्रेसेस चेंज करते हैं। यहाँ पर अलग अलग दो दो लोगों के रूम्स बने हुए हैं। असली सेट में ये सब है, ये मैंने असली सेट के हिसाब से बनाया है। बाकी नॉर्मल सेट में ये सब नहीं दिखाते, बाकी सब नॉर्मल है। आप देख सकते हैं इनके अंदर थोड़ी सी डेकोरेशन करी हुई है। और आगे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ। ये रहा मंदिर, इसके आगे यहाँ पर ये गार्डन है पूरा। बाकी ये रही हमारी सोसाइटी, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग वाली जगह पर ही है। ये रही वो टंकी जिसमें बुरे पूरे टाइम पानी भरता रहता है। मेरे दोस्त को बंद कर देता है। चलो कोई नहीं, तो अब मैं आपको एक काम करता हूँ, सबसे पहले पोपटलाल का घर दिखाता हूँ। ये पोपटलाल का लिविंग एरिया है। बाकी ये तो घर के बाहर का रहा एंट्रेंस है। ये पोपटलाल का बेडरूम है, ये बालकनी है, और ये एक नॉर्मल सा रूम है पोपटलाल का। बाकी इसके घर से हम ये बाहर निकल गए। ये ऊपर छत है, मैंने बताया था आपको अभी। फिर हम चलते हैं अय्यर और बबीता के घर में। ये रहा नॉर्मल अय्यर और बबीता का घर है। ये नॉर्मल यहाँ पर सब लगा हुआ है, वही नॉर्मल चीज़ें हैं। इनका डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर ये किचन बना हुआ है। बाकी सब उस वाले एक और रूम है, यहाँ पर उनका बेडरूम है, और वहाँ पर एक छोटा सा बाथरूम है अंदर। एक स्टैंडर्ड सा बाथरूम दिया हुआ है। तो हम अब इस घर से तो फिर चलते हैं, इस घर में बस इतना ही है। तो आगे हम चलते हैं, एक काम करते हैं, जेठालाल के घर में चलते हैं। तो हम जेठालाल के घर में आ गए। ये देखिए चप्पू चाचा खड़े हैं, चंपक चाचा। ये चंपक चाचा घूर क्यों रहे हैं, जेठालाल भी घूर रहा है। तो ये रहा उसका घर, जेठालाल का बेडरूम है। ये जेठालाल का बेडरूम, ये उनका लिविंग एरिया है, ये उनका किचन है, पूरा है सब कुछ। यहाँ पर वो बैठ के खाना खाते हैं, वो बाहर लिविंग है। यहाँ पर दया खड़ी है, दया टप्पू के पापा गड़ा। यहाँ पर सोनू और टप्पू खड़े हैं। ये रहा भिड़े ट्यूशन क्लासेस, आत्माराम तुकाराम भिड़े का घर। ये रहे बच्चों की, यहाँ पर क्लासेस लेता है भिड़े। ये रहा उसका बोर्ड, बाकी सब उसकी डेस्क वेस्क सब बनी हुई है। यहाँ पर उसका लिविंग एरिया यहीं पर ही है। यहाँ पर सोफेज लगे हुए हैं। ये भिड़े का रूम है, और यहाँ पर आप अंदर जाओगे तो एक वॉशरूम है इस जगह पे। यहाँ पर उनका किचन है, और फिर यहाँ पर सोनू का रूम है। आप देख सकते हैं सोनू का एक नॉर्मल सा रूम है, उसका साइड में बेड लगा हुआ है, कबर्ड्स है, सब नॉर्मल है। ये भिड़े का पूरा घर है। बाकी उसके बाद मैं काम करता हूँ, सोड़ी के घर पे जाता हूँ। हम लोग विचित्र लोग हैं, हम लोग बालकनी से एंटर करेंगे। लोग घर के डोर से एंटर करते हैं, हम बालकनी से एंटर करते हैं। तो ये रहा भिड़े का, भिड़े क्या क्या सोड़ी का घर। ये शायद गोगी का रूम है। हाँ ये गोगी का रूम है, ये सोड़ी का लिविंग एरिया है। यहाँ पर वो खाना पीना सब करते हैं। बाकी ये रहा सोड़ी का रूम, सोड़ी का रूम यहाँ पर है, और इस वाली जगह पे इनका किचन है। सोड़ी के रूम में एक बाथरूम था उनका, और ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी ऊपर वाला विंग, नीचे वाला विंग, ये रहा इनका विंग, ये विंग में रहते हैं।
ये हंसराज हाथी का घर, ये हंसराज हाथी का क्लिनिक, और यहाँ पर वो पेशेंट को सुला के देखता है वो वाली जगह। आगे फिर हम देखे तो फिर इसके घर में ये बेड लगे हुए हैं, इनका रूम है, एक अटैच बाथरूम है इनका, यहाँ पर गोली का रूम है, और ये यहाँ पर उनका किचन है। नॉर्मल नॉर्मल सा घर है उनका, एक सीधा साधा घर है। सबसे बड़ा घर तो जेठालाल का ही है। हाँ तो अब हम आपको एक काम करते हैं, दिखाते हैं मेहता साहब का घर। तो ये रहा मेहता साहब का घर, देखिए यहाँ पर ये मेहता साहब का घर है, इस नॉर्मल का सा घर है उनका घर। उसमें घर में 2 ही बेड है। मेहता साहब का घर थोड़ा छोटा है क्योंकि उनका फ्लैट ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। कोई नहीं, अरे ये मेरे दोस्त को किसी ने बंद कर दिया, कोई नहीं। हाँ तो यहाँ पर हमारे पास रीटा का घर है। बात ये रीटा का घर कभी दिखाते नहीं है, इसलिए मैंने नॉर्मल एक डिज़ाइन कर दिया है। रीटा का घर शो वाले दिखाते ही नहीं है, तो मैंने फिर भी मैंने बना दिया, ये रीटा का घर है। कोई नहीं, अब मैं जितना कर सकता था मैं उतना कर दिया मैंने। बाकी मैं आपको क्लब हाउस दिखा देता हूँ। ये क्लब हाउस है, क्लब हाउस में कुछ नहीं है, बस मैंने ये लाइटिंग करी है ऑटोमेटिक, ये बटन वाली, मैंने और कुछ नहीं किया। क्लब हाउस में बना दूंगा, वो बात नहीं है, क्लब हाउस भी बन जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये है वो उसका घर, एक बार भूतनी वाला एपिसोड आया था ना जिसपे, मटका किंग मोहनलाल का घर है ये वाला। मेरे को इस वाले घर का नाम याद नहीं है, बाकी मेरे को उसके घर का डिजाइन भी यार पता नहीं। बहुत से घर है जिनके, ये सोसाइटी ऑफिस है हमारा, यहाँ पर कुछ ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि सोसाइटी ऑफिस को भी दिखाया नहीं है, तो मैं बनाऊँ क्या, मैंने इसलिए मैंने सोसाइटी ऑफिस बनाया नहीं। यहाँ पर चमको लॉन्ड्री है, यहाँ पर कपड़े धोने आते हैं, आप भी धोने दे देना। ये अब्दुल सोडा शॉप है, ये सोडा से ज्यादा तो केक रखता है, क्या करें। यहाँ पर हमारे पास माइनक्राफ्ट में सोडा नहीं होती, इसलिए हमने केक डाल रखे हैं। बाकी एक नॉर्मल सा एक्स्ट्रा रूम है, और ये एक वो जगह है जहाँ पर लोगों का ऑडिशन लिया जाता है। यहाँ पर सारे लोग वेट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑडिशन दे देते हैं, बाकी यहाँ से निकल जाओ। बस तो यहाँ पर एक लगभग वैनिटी वैन और है, बाकी सब नॉर्मल है। जब वो कोई शूट शूट बार में जाते हैं तभी इसे यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, और 100 सब्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।